हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडो यूएस ट्रेड के बारे में बताने वाली हूँ, साथ ही कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इंडो यूएस ट्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 3 यूनिट 16 का 16.6 इंडो यूएस ट्रेड, और इसके साथ है कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। इंडो यूएस ट्रेड। यूनाइटेड स्टेट्स इज द लीडिंग एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो पूरे वर्ल्ड का लीडिंग इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है। एज अगेंस्ट इंडिया इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट ट्रेड प्लेयर इन द वर्ल्ड मार्केट, अकाउंटिंग फॉर ओनली अराउंड 0.7% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इंडिया के विपरीत में देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 0.7% ही इसका मार्केट है पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। यूएस इज़ इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएसए जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लुक एट टेबल 16.5 विच शोज इंडियाज एक्सपोर्ट्स विथ यूएसए। तो यहाँ पे ये टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है इंडिया का ट्रेड यूएसए के साथ। ये 1993-94 से लेकर के 1999-2000 तक का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ ही साथ ट्रेड बैलेंस दिया हुआ है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएसए हैज़ बिन कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए के साथ वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। द एक्सपोर्ट हैव गॉन अप फ्रॉम $3,994.87 million in 1993-94 to $8,544.28 million in 1999-2000। तो जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मीन्स 1993-94 में था वो 3,994.87, पर वो अब बढ़ के हो गया है 8,544.28। Similarly, the imports have increased from $2,738.81 million in 1993-94 to $3,633.95 million in 1999-2000। तो उसी तरह से imports भी बढ़ा है 1993-94 का 1999 और 2000 तक। मीन्स पहले ये 2,738.81 था जो कि बढ़ करके 3,633.95 हुआ है। द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स हैव बिन फास्टर दैन द ग्रोथ इन इम्पोर्ट। तो जो एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ है वो फास्टर है इम्पोर्ट के ग्रोथ से। इंडियाज ट्रेड बैलेंस विथ यूएसए हैव बिन पॉजिटिव। तो इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है यूएसए के साथ वो पॉजिटिव रहा है। द फेवरेबल ट्रेड बैलेंस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम $1,256.06 million इन 1993-94 टू $4,910.33 million इन 1999-2000। तो उसी तरह से जो ट्रेड बैलेंस है मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो भी फेवरेबल रहा है। मीन्स 1993-94 में 1,256.06 था जो कि बढ़ करके 4,910.33 हो गया है 1999 और 2000 में। इंडिया इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर इफ़ वन कंसिडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन ट्रेड। अगर देखा जाए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया जो है वो इनसिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर रहा है। India's share in United States trade has been very negligible. तो India का जो share है United States trade में वो बहुत ही ज़्यादा negligible है। However, when considered from India's point of view, the United States is the most important trading partner of her in the world.
पर अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में. इन द ईयर 1998-99 यूएसए अकाउंटेड फॉर 21.8% ऑफ द इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट. तो 1998 और 99 में यूएस जो है उसका इंडिया का टोटल ट्रेड एक्सपोर्ट का इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 21.8% रहा है और इंडिया का जो टोटल इम्पोर्ट है वो 8.7% रहा है. देयरफॉर यूएसए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडिया. तो क्या हो गया कि यूएसए जो है इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है. अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. लुक एट टेबल 16.6 विच सोर्स कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट्स टू यूएसए. ये टेबल दिया हुआ है 16.6 जिसमें मेजर प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से यूएसए के लिए. द मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स आर जेम्स एंड ज्वेलरी. तो जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स है वो सब है जेम्स एंड ज्वेलरी, आरएमजी ऑफ कॉटन, कॉटन यान फैब्रिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल्स, कैश्यू, प्राइमरी एंड सेमी फाइनल आयरन एंड स्टील, कारपेट, हैंडमेड, आरएमजी ऑफ मैनमेड फाइबर, मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे. द एक्सपोर्ट्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ दीज आइटम्स हैव बिन ग्रोइंग. तो जिसका मेजोरिटी जो है आइटम्स का है वो बढ़ रहा है. दीज कॉमोडिटीज अकाउंटेड फॉर अबाउट 73% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट टू यू एस ए 1999 and 2000. तो ये जो कॉमोडिटी है वो 73% हो है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ यू एस ए में ही 1999 and 2000 के दौरान. अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स की. तो लुक एट टेबल 16.7 विच शोज इंडियाज इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएसए. तो इस टेबल में इंडिया का एक्सपोर्ट दिखाया गया है यूएसए के लिए. द मेजर आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्टिलाइजर, मैग्नीफाइंग नॉट इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पर्ल्स, प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन्स, प्रोफेशनल इंस्ट, ऑप्टिकल गुड्स, प्रोजेक्ट गुड्स, आर्टिफिशियल रिजिन्स, प्लास्टिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा. दीज कॉमोडिटीज अमाउंटेड फॉर अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम यू एस ए इन द ईयर 1999-2000. तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इम्पोर्ट जो किए जाते हैं. तो इंडिया जितना भी इम्पोर्ट कराता है यूएसए से उसका 65% सिर्फ ये सारे चीज़ें ही हैं. तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. और आपको वीडियो कैसा लगे उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू.